15 साल आप सबका मुखिया रह के सेवा किए हम, और सरकार नया कानून ले आया, महिला के लिए सीट सुरक्षित कर दिया, और आप लोगों को मजबूरी में एगो महिला को मुखिया चुनना पड़ा। का कियू अपना कार्यकाल में बताइए, माने हमरे कुरसावापुर का मान मर्यादा धूल धूसरित कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। सब हुआ उन निमकिया के वजह से। महाराज अच्छा लग रहा है ना? देखिए ये बाजी जो है ना, हमारा भाषण का असर जनता पे जबरदस्त पड़ना चाहिए। अरे कुछ बोलिएगा, कैसा बोल रहे हैं? बोल तो ठीक ही रहे हैं ससुर जी, पर हमको ना कुछ मजा नहीं आ रहा। अरे मजा नहीं आ रहा है, आप ही ना लिखे हैं भाषण महाराज। लिखे तो हम ही हैं, पर कुछ कमी लग रहा है। का? का देख रही है रे? सासू जी हम देख रहे हैं कि गाय सूज तो नहीं गया है। कहा है कि बहुत जोर से लपड़िया दी है निमकी आपको। अरे वो एकदम बंद रख। अरे हम मुंह कैसे बंद रखे सासू जी, हमको तो बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे कैसे सबके सामने आपको थप्पड़ मार दी निमकिया? अभी तक हवेली में वो आवाज गूंज रहा है। वैसे ये लगा के दो बार लपड़िया दी है निमकिया आपको, पहले वहाँ घाटोला में, फिर आज यहाँ आपके ही हवेली में। यहाँ तो आपका राज चलता है तब भी, और देखिए उसको खुद बैठी है आराम से हवेली में। जब पहली बार तो ससुर जी देवर जी का केस का बहाने से रोक लिए थे, मगर अब का बहाना है? सोचिए अगर निमकिया हमको लपड़ियाती ना तो क्या कर लेती थी तुम? हम नहीं सासू जी, हमरे डब्लू जी हाथ पैर तोड़ के ना बैठा देते अब तक। बेकार है तो क्या हुआ, अपना पत्नी का इज्जत का परवाह है उनको, मगर ससुर जी को देखिए क्या किए। अभी भी बैठ के भाषण का तैयारी कर रहे हैं अंदर, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। देखिए हम लोग जब वहाँ स्टेज पे होंगे तो जनता को क्या दिखेगा? यही ना कि एक बूढ़ा आदमी अपने दामाद के साथ स्टेज पे खड़ा पटर पटर कुछ बोल रहा है। बुरा लग रहा है हम आपको स्टेज से उतार दे का? ससुर जी आप हर बात पे राशन पानी लेके चढ़ ही कहा जाते हैं भाई, हम कहा कह रहे हैं सुनिए तो। हम कह रहे हैं निमकिया के दिमाग से सोचिए, वो क्या कर रही है? निमकिया अपना और बब्बू सिंह का छवि राम सीता जैसा बना के निकली है। उसके पास कहानी है, एक पति एक पत्नी अलग हो गए, फिर अपना बच्चा के खातिर एक साथ हो गए। कहानी में इमोशन है, अब हमारे पास कहाँ है? आप दोनों मर्द होते तब पे ना कहानी होता है। बब्बू सिंह का सब लोग प्रशंसा करेगा, कहे कि वो अपनी पत्नी के लिए लड़ रहा है, लोग सबके नजर में अपनी पत्नी को इंसाफ दिला रहा है, मगर आप क्या किए हमरे लिए? अरे जाइए ना महाराज, जाइए काम करने दीजिए हम लोगों को, देख रहे हैं ना। अरे क्या काम कर रहे हैं आप? अपनी पत्नी का कुछ इज्जत नहीं ना है आपके नजर में? सासू जी आप कहना क्या चाहती हैं? सासू जी का कहने का मतलब है कि ससुर जी के सामने ही उन छोड़ी निमकिया तमाचा मार दी, ससुर जी बांस की तरह बस खड़े रहे। क्या करते हैं? उसको गोली मार के जेल चले जाते। मैंने अपने पत्नी का बेइज्जती आप सह लेंगे? आपके नजर में कुछ इज्जत नहीं ना है हमरा? आज तक किए कहा है आप हमरे लिए? बब्बू के बिगाड़ा हम, अब वो माथा पे चढ़ के नाच रहा है तो झेलिए, हम भी झेल रहे हैं। और अभी माफ कीजिए, जाइए यहाँ से, भाषण लिख रहे हैं, तैयार करना है, जाना है, जाइए जाइए। तो भाषण में ये भी लिख दीजिएगा कि आपके सामने कैसे आपकी पत्नी को मारी है उछौड़ी। ये ख्याल अच्छा है सासू जी। हाँ अगर ये कह देंगे तो गांव वाला लोग आपको लेके अफसोसजनक हो जाएगा। तो क्या फालतू बात कर रहे हैं, अफसोसजनक हमारा बेइज्जती होगा वो? बंद कीजिए सब।
ठीक है, कुछ नहीं ना कीजिएगा आप, देखिएगा हम अपना बदलाव छौड़ी से खुद दे लेंगे, अभी जाके जिंदा जला देंगे उसको। खबरदार जो कुछ उल्टा सीधा कीजिए। सासू जी रैली निकलने वाला है, कुछ गड़बड़ की ना तो सत्यानाश हो जाएगा सब। चलिए आ रहा का, तुमको भी बंद कर दे का बड़के दुल्हन। हे भैया, हाँ हम तो जा रहे हैं। चलिए महाराज। हे आप आ गए। मोनू को छोड़ दिए घर आप, ठीक है ना? वो कहाँ हुआ? हमको देख के महुआ को अच्छा नहीं लगा, मगर ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आज हम भी गलती किए हैं। हमको आपकी अम्मा को, हम आपका ही भेंट कर रहे थे। आप चलिए ना हमारे साथ, हम माफी मांग लेते हैं आपकी अम्मा से। चलिए। कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, वो आपकी अम्मा है और हमको रहना भी तो यही घर में है। सब लोग साथ में प्यार से रहेंगे तो अच्छा है ना। हम माफी मांग लेंगे उनसे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमको लपड़ याद देंगे और का। हमरे होते हुए ये हवेली में कोई तुमको हाथ भी नहीं लगा सकता। हम तुम्हारे साथ हैं निमकी। अम्मा को तुमको हमरा पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही होगा, वही सम्मान देना होगा जो भाभी को देती आई है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं तुमको। तुमको और हमरा बच्चा को हम कुछ नहीं होने देंगे। मगर हम तुमसे प्यार नहीं करते बब्बू सिंह। कि तुम हमारे पास वापस काहे आई? अब का मतलब समझे नहीं। महुआ आज हमरा फिर से बेइज्जती की। वो नफरत करती है हमसे, काहे कि उसका दीदी और उसके पापा को बहुत तकलीफ दी है हम। गलत नहीं है वो, हम है ही नफरत के लायक। फिर तुम काहे माफ कर दिए हमको? हम जानते हैं निमकी, तुम सबसे ज्यादा अपने पापा को चाहती थी। कहीं बब्बू सिंह को हम पर शक तो नहीं हो रहा है? बोलो निमकी, काहे सब बुला दी तुम? काहे माफ कर दी हमको? आप हम पर शक कर रहे हैं? कि अम्मा और बाकी सब जो लोग हमारे बारे में बोलते हैं उसका असर हो रहा है आप पे? नहीं, ऐसा बात नहीं है निमकी, हम तो बस तो फिर ये समझ लीजिए कि हम सचमुच में मान गए कि आप बदल गए हैं, इन्हीं आपके पास वापस आ गए।
दूसरा कारण ये बच्चा जो आपका भी है ना? हाँ, ये हमारा बच्चा है, हम दोनों का बच्चा है। अब कब फालतू का बात सोचते रहते हैं आप? बहुआ जो बोली उसे भूल जाइए आप। ये सोचिए कि फादर इन लॉ और ऋतुराज क्या करने वाले हैं आगे। फूलो ये बड़का रैली का प्लान कर रहे हैं, अब सोचिए कि हमको क्या करना है। तुम देखती जाओ निमकी, कल हम तेतर सिंह का हाल करते हैं। क्या हुआ, खांसी हो रहा है? नहीं, दिन में थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लिए थे। आप बैठिए ना, आपको रैली में इतना बड़का बड़का भाषण देना और आप है कि आपके लिए गर्म पानी लेके आते हैं पर्वतिया को बोलकर, उसमें शहद डाल के पी लीजिएगा, आप सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिन का बात है, खांसी नहीं, तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे बब्बू सिंह। चलिए, हो गया काम खत्म कल का। दूसरा गांव का आदमी लोग को भी बुला लिए। दूसरे गांव का कहा है भाई, है? रिस्क नहीं ले सकते ना ससुर जी, मान लीजिए अपने यहाँ का क्राउड कम पड़ गया तो गोवर्धन बाबू बेदक जाएंगे और पार्टी पे भी बुरा असर पड़ता है। गोवर्धन बाबू 3 बार फोन करके पूछ चुके कल का क्या कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, क्या प्लान है, क्या मुजरा करवा दें उनके लिए। अरे हम तो वो भी कराने को तैयार हैं अगर खुश हो जाए तो, फिलहाल तो वही माई बाप है ना। पहले वो मां तो सर पे सवार था, अभी गोवर्धन की चाकरी करो, क्या करें समझ में नहीं आता। अरे क्या करेंगे, बस अपने अच्छे समय का इंतजार कीजिए और का। अरे हाँ, पोस्टर वोस्टर लगने का काम भी हो गया, सब खत्म। अरे वो तो ठीक है महाराज, मैंने सोचिए बाजी जीतने का कितना अच्छा चांस था हमारा, ये बबुआ ना सब खेल बिगाड़ के रख दिया। मैंने कहा नहीं किए उसके लिए, हम दोनों मैंने ये रेप केस से निकालने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिए। आज वही वही निमकिया को बगल में लेके घूम रहा। बस यही कहानी है सही, मायूस बाप दगाबाज बेटा, कल का रैली का यही कहानी है, पूरा जनता को भावुक कर देना है। अच्छा चलेगा? अरे दौड़ेगा ससुर जी, बस यही बताइएगा कि कैसे, का का नहीं किया आप अपना बेटा के लिए, उसको छुड़वाने के लिए कितना पापड़ मिले। अरे उसकी माँ बेचारी दुखियारी, कितना दुख सही, कितना रोई चिल्लाई कलपी, और बब्बू सिंह उसके बदले में का दिए। अरे निम की थप्पड़ मारती बब्बू सिंह के सामने और बब्बू सिंह कुछ बोले भी नहीं, धोखेबाज आदमी। अरे जो अपने परिवार का नहीं हो सका वो जनता का क्या होगा। बस यही कहानी। ओ निमकी की बहन महुआ साथ में कुछ बुरा भला वो भी बोल देगी तो सोने पे सुहागा। अरे महुआ बोल देगी ना तो बात बन जाएगा, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपके साथ साथ सासू जी को भी अपना दुखड़ा रोना होगा। कहा देख रहे हैं महाराज, जाइए मनाइए उनको, पटाइए, माफी मांगिए। ठीक है, आप ऐसा कीजिए गोवर्धन को संभालिए, हम उनको बताते हैं। हाँ आप सुनिए, उसके बाद फिर महुआ से भी बात करना है। महुआ से बात हो गया ना भाई? अरे कल का रैली के लिए नहीं बुलाएंगे। ठीक है अनारो जी। हाँ गोवर्धन बाबू,
हुक्म हुआ। देखो तुम ना हमारा बात का विश्वास करो, निमकी बोली हमको कि पूना हुआ पर कोनो मकसद के तहत है। दीदी हम लोग से बहुत प्यार करती है। दीदी भूले नहीं है हमको, हम ही उसको गलत समझ लिए। पुराना नहीं होता नहर सिंह। बब्बू सिंह तुम यहाँ पर माफी मांगने आया है ना, तो सुन तुम, इही लोग के सामने हमरी बहीन चली थी, जब उसका कपड़ा तार तार हुआ था और उसका बलात्कार हो चुका था। बोल बब्बू सिंह, ला सकता है तुम हमरे पापा को वापस, लौटा सकता है हमरी बहीन का इज्जत? दीदी हम तो तुमसे मिलने आए थे, तुम्हारा बहुत याद आ रहा था। महुआ से बात करना जरूरी है, नहीं तो वो झूठ मूठ का परेशान होकर दुखी रहेगी। महुआ का फोन बिजी कहाँ आ रहा है, वो भी इसी टाइम में, किससे बात कर रही है? हेलो महुआ बेटा। अरे माफ करना इतना रात को फोन किए हैं। क्या बात है बेटा? ऐसा है कि कल एक बड़का रैली कर रहे हैं, तुमको तो पता होगा, पूरा कुरसावा पूरा रहा है। हम चाहते हैं ना बेटा कि तुम भी आओ और वहाँ पब्लिक में बात करो। हम क्या करेंगे बोल के? अरे जब निमकिया बोल सकती है तो तुम क्या नहीं बोल सकती हो है? भाई तुम भी तो राम बच्चन जी की बेटी हो। और ऐसा करना बेटा, गाँव के सबको लेके आना, वो इस्माइल चाचा, प्रेमुआ, गणेशवा, अरे डुमरी वाली चाची, उनको भी कहो तो हम गाड़ी भेज देते हैं। नहीं वो बात नहीं है, हम कभी भाषण नहीं दिए हैं ना। महुआ तुम अपना वोट ना तेतर सिंह को ही देना, बाकी का घाट टोला का हर एक आदमी अपना वोट बब्बू जी को देगा। हम आ जाएंगे मगर कुछ बोलेंगे नहीं। अरे क्या बात कर रही है महुआ जी है? अरे आप जो वो निमकी और बब्बू सिंह को सुना के रख दिए तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़, उनका कुछ कम बात है का? बस वैसा ही बोलना है, बोल दीजिएगा कि बब्बू सिंह का हिम्मत तो देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी वोट मांगने पहुंच गया। बुआ जी यही आदमी आपके पिताजी को घसीट घसीट के लिथाड़ लिथाड़ के मारा था। निमकी आप भूल गई, आप याद रखिएगा। हाँ बेटा देखो तो ऐसा है कि तय रहा कि तुम कल आ रही हो और तेतर सिंह जी हम आ जाएंगे मगर हम कुछ बोलेंगे नहीं, आपको जो बोलना है आप वो बोलिए, हम हाँ ना कर देंगे। बेटा बात ये नहीं है कि तुम बोल सकती हो कि नहीं बोल सकती हो, बात ये है कि तुमको अपनी बहन वापस चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ये बब्बू सिंह जीत गया तो तुम अपने बहन से हाथ धो दोगी, पूरी तरह से सत्ता के लालच में बब्बू सिंह की हो जाएगी, या बब्बू सिंह खुद उसको दूध के मक्की की तरह निकाल के फेंक देगा। बब्बू सिंह के खिलाफ कुछ बोलने का यही समय है महुआ जी, ताकि ये खेला यही खत्म हो सके।
हम आएंगे और बोलेंगे भी। वाह,